दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी ओपन एंड प्रोसेस के अंदर रोटर स्पिनिंग मशीन होती है, तो रोटर स्पिनिंग मशीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, और कोई भी रोटर स्पिनिंग मशीन होती है वो कैसे वर्क करती है, किस तरीके से रोटर स्पिनिंग मशीन के अंदर ट्विस्ट का इंसर्शन किया जाता है, कैसे हमारे स्लाइवर की ओपनिंग होती है, किस तरीके से हमारे कॉटन से जो ट्रेस वगैरह होता है वो बाहर निकलता है। तो गाइस इस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो इसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो गाइस डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का टॉपिक है रोटर स्पिनिंग प्रोसेस या रोटर स्पिनिंग मशीन। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ रोटर स्पिनिंग के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो गाइस देखिए, द ओपन एंड यार्न स्पिनिंग मेथड हैज ए कंपैरेटिवली लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो जो आपका ओपन एंड स्पिनिंग सिस्टम होता है, तो उससे जो यार्न प्रोड्यूस होता है उसकी कॉस्टिंग रिंग स्पिनिंग प्रोसेस से कम होती है। सिंस मैनी प्रोसेसेस इन दिस यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस गेट बाईपास्ड सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गेट रिड्यूस्ड कॉम्प्रिहेंसिवली। गाइस क्या होता है कि जो हमारी ओपन एंड स्पिनिंग की प्रोसेस होती है, रोटर स्पिनिंग की प्रोसेस होती है, इसके अंदर बहुत सारी वो स्पिनिंग प्रोसेसेस बाईपास्ड हो जाती हैं जो आपके रिंग फ्रेम प्रोसेस में तो करनी पड़ती हैं, बट आपको रोटर स्पिनिंग प्रोसेस के अंदर उनको बाईपास कर दिया जाता है। तो आपकी जो यार्न की कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, वो काफ़ी हद तक घट जाती है। द सेकेंड थिंग इज द पैकेज साइज ऑब्टेंड इन द ओपन एंड स्पिनिंग मेथड। गाइस दूसरी एक बात और होती है कि जो हमारा यार्न का पैकेज साइज होता है, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होता है। द लार्ज पैकेज साइज रिजल्ट्स इन दिस स्पिनिंग मेथड। गाइस रोटर स्पिनिंग के अंदर जो पैकेज साइज होता है वो लार्ज पैकेज होता है, उसके ऊपर जो यार्न की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। जो आपका रिंग स्पिनिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर छोटी छोटी बॉबिन बनती है, तो पैकेज साइज बहुत छोटा होता है। देयर इज नो नीड टू इनलार्ज इट। और चूंकि हमारा पैकेज साइज बड़ा होता है रोटर स्पिनिंग के अंदर, इसलिए इसको इनलार्ज करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। दस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गेट्स रिड्यूस्ड। इस तरीके से जो हमारा यार्न प्रोडक्शन कॉस्ट होती है रोटिंग स्पिनिंग के अंदर, तो गैस वो रिड्यूस हो जाती है। दिस स्पिनिंग मेथड इज यूजफुल फॉर कोर्स काउंट यार्न। गैस ये जो रोटर स्पिनिंग होती है या ओपन एंड स्पिनिंग होती है, तो ये कोर्स काउंट के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। द ओपन एंड यार्न पोजेस पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू ए लोअर डिग्री ऑफ फाइबर पैरेललाइजेशन इन द यार्न। अब गाइस जो हमारा रोटर स्पिनिंग का प्रोसेस होता है या ओपन एंड स्पिनिंग का प्रोसेस होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके फाइबर होते हैं वो अलोंग दी यार्न लेंथ सही तरीके से पैरेलल नहीं हो पाते हैं, कंप्लीटली पैरेलल नहीं हो पाते हैं। इसलिए जो यार्न रोटर स्पिनिंग से प्रोड्यूस होता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस मेथड इज हाई इन कंपेरिजन टू द रिंग स्पिनिंग प्रोसेस। और जो हमारी रोटर स्पिनिंग की प्रोसेस होती है उसके अंदर प्रोडक्टिविटी आपके रिंग स्पिनिंग फ्रेम की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। तो गाइस ये तो मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई ओपन एंड स्पिनिंग या रोटर स्पिनिंग के बारे में। गाइस अब मैं आपको बताता हूँ रोटर स्पिनिंग सिस्टम जो होता है वो कैसे वर्क करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने गाइस आपको दिखाया हुआ है, ये है आपका रोटर स्पिनिंग मशीन है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए आप, ये आपके कैन रखे जाते हैं, तो कैन के अंदर आपका स्लाइवर होता है। और स्लाइवर आपको कहाँ से प्राप्त होता है, या तो स्लाइवर आपको प्राप्त होता है कार्डिंग प्रोसेस के बाद में, या आप जो ब्रेकर डायफ्राम होता है वहां से भी आप स्लाइवर यूज कर सकते हो। यदि आप डायरेक्ट कार्डिंग से यूज करते हो स्लाइवर, तो आपके यार्न के अंदर यार्न इरेगुलरिटीज ज्यादा होती हैं। और यदि आप ब्रेकर डायफ्राम के बाद में स्लाइवर यूज करते हो रोटर स्पिनिंग में, तो आपके जो यार्न इरेगुलरिटीज होती हैं वो कम होती हैं। तो गाइस देखिए ये कैन हो गई, ये आपकी स्लाइवर गाइड है। इसके बाद में आपकी यहाँ पर फीड प्लेट वगैरह भी होती है और फीड रोलर वगैरह भी होता है, तो इससे होता हुआ धागा जाता है और अंदर जो आपका मैकेनिज्म लगा होता है, तो उसके अंदर एक तो आपका ओपनिंग रोलर होता है, ओपनिंग रोलर के बाद में और आपकी जो एयर वगैरह का
सिस्टम लगा होता है तो उससे आपका ट्रेस वगैरह निकलता रहता है जो भी होता है, और अंदर जो रोटर वगैरह भी लगा होता है तो उससे आपके यान को ट्विस्ट इंसर्ट होता है। तो गाइस अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ले चलता हूँ रोटर स्पिनिंग के बारे में, तो आप मेरे वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिए। रोटर स्पिनिंग इज द मोस्ट वाइड सिस्टम इन द ओपन एंड यार्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो जो हमारा रोटर स्पिनिंग का प्रोसेस होता है ये यार्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जब आपको ओपन एंड यार्न बनाना होता है। इट हैज ऑल द नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर एन एफिशिएंट स्पिनिंग मेथड। और ये जो हमारा रोटर स्पिनिंग का मेथड होता है तो इसके अंदर वो सारी खूबियां होती हैं जो किसी एक स्पिनिंग मेथड के अंदर होनी चाहिए। द ओपन एंड स्पिनिंग हैज सम लिमिटेशंस, और जो हमारी ओपन एंड स्पिनिंग प्रोसेस होती है इसकी अपनी कुछ लिमिटेशन भी होती है, सीमाएं भी होती हैं। इट इज नॉट सुइटेबल फॉर स्पिनिंग फाइन काउंट यार्न। ये जो हमारा रोटर स्पिनिंग का प्रोसेस होता है ये फाइन काउंट को स्पिन करने के लिए सुइटेबल नहीं होता है। मोर बल्किनेस रिजल्ट्स इन द ओपन एंड यार्न इन दिस प्रोसेस। गाइज जो धागा ओपन एंड प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है या जो धागा आपका रोटर स्पिनिंग प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है वो ज्यादा बल्किनेस होती है उसकी। द हाई ट्विस्ट मल्टीप्लायर गेट्स एम्प्लॉयड इन दिस मेथड। गाइस दूसरी बात ये भी होती है कि यदि आप रोटर स्पिनिंग के अंदर धागे को प्रोड्यूस कर रहे हो तो वहां पर जो ट्विस्ट मल्टीप्लायर यूज करते हैं उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा रखी जाती है। द ओपन एंड यार्न पॉजिस गुड एब्रेशन रेजिस्टेंस। गाइस ये खूबी होती है आपके ओपन एंड यार्न की कि जो आपका ओपन एंड का धागा होता है उसका एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है वो अच्छा होता है। दिस इज द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ ओपन एंड यार्न गेटिंग प्रोड्यूस्ड इन द रोटर स्पिनिंग। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है आपके ओपन एंड यार्न की जब आप रोटर स्पिनिंग पे प्रोड्यूस कर रहे होते हो तो ये जो करेक्टरिस्टिक होता है एब्रेशन रेजिस्टेंस का, इंप्रूव एब्रेशन रेजिस्टेंस का, वो सिर्फ आपको रोटर स्पिनिंग के अंदर ही प्राप्त होता है। द ओपन एंड यार्न कंसिस्ट ऑफ रैप फाइबर अराउंड द यार्न सरफेस। तो जो हमारा ओपन एंड यार्न होता है जो हमें रोटर स्पिनिंग से मिलता है तो उसके यार्न सरफेस के ऊपर कुछ फाइबर की रैपिंग होती है। द ओपन एंड यार्न ऑल्सो कंटेन्स ए थिन आउटर लेयर ऑफ फाइबर विद हार्डली एंड ट्विस्ट और इवन विद ट्विस्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो गाइस जो हमारा रोटर स्पिनिंग से यार्न मिलता है उसके ऊपर जो आउटर लेयर होती है यार्न की तो उसके ऊपर कुछ फाइबर्स की ट्विस्टिंग होती है तो फाइबर की रिवर्स डायरेक्शन में होती है और एक कोटिंग भी आपके जो यार्न का सरफेस होता है उसके ऊपर बना देती है। द न्यू फाइबर्स गेट ज्वाइंट ऑन टू द ऑलरेडी वेल ट्विस्टेड फाइबर स्ट्रैंड ईच रोटेशन ऑफ द रोटर। गाइस क्या होता है कि जैसे आपका रोटर का रोटेशन लगता है तो जो नए फाइबर होते हैं वो आपके फाइबर स्ट्रैंड को ज्वाइन करते हैं और उससे जुड़ जाते हैं। दीज लेट कम्स रिसीव ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड ट्विस्ट लेवल। और ये जो फाइबर बाद में जुड़ते हैं तो उनके अंदर जो ट्विस्ट होता है वो कम होता है। इफ दिस लो ट्विस्ट इज लोअर देन द फर्स्ट ट्विस्ट, ये जो लो ट्विस्ट होता है ये जो फाइबर बाद में आते हैं और वो हमारे यान के सरफेस पर जो फाइबर होते हैं उनसे जुड़ते हैं तो जो लो ट्विस्ट होता है यदि वो फर्स्ट ट्विस्ट से कम होता है द फाइबर गेट्स ट्विस्टेड इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो जो फाइबर लेट कमिंग फाइबर होते हैं तो वो यान के साथ में रिवर्स ट्विस्टेड हो जाते हैं। तो गाइस देखिए ये है आपका जो ओपन एंड यार्न होता है रोटर स्प्रिंग से प्राप्त होता है। तो देखिए गाइस किस तरीके का यार्न होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है आपके ओपन एंड यार्न का। तो यहाँ पे देखिए आप ये तो नॉर्मल यार्न है, ये रिंग फ्रेम से प्राप्त होता है तो इसके जो यार्न सरफेस के ऊपर कोई भी फाइबर की रैपिंग नहीं होती है। बट ये जो आपका ओपन एंड यार्न है रोटर स्प्रिंग से जो प्राप्त होता है तो इसके अंदर ये जो आपके मेन फाइबर चल रहे हैं तो ये तो सेम डायरेक्शन में ट्विस्ट हो रहे हैं जैसे कि आपके सारे फाइबर होते हैं। बट जो लेट कमिंग फाइबर होते हैं ये वाले जो फाइबर हैं तो ये क्या करते हैं रिवर्स डायरेक्शन में ट्विस्ट हो जाते हैं यार्न के साथ में। तो ये आपके फाइबर को वाइंडिंग देते हैं और वाइंडिंग देने से क्या होता है एक लेयर भी बन जाती है आपके यार्न के ऊपर, तो लेयर ये हार्ड भी होती है तो इससे आपके यार्न का जो एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है वो इम्प्रूव होता है। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ जो हमारा रोटर स्पिनिंग मशीन होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं उसमें और किसी भी रोटर स्पिनिंग मशीन की वर्किंग क्या होती है। तो गाइस मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा पहले कि आपके मशीन का स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी रोटर स्पिनिंग मशीन का।
तो गाइस देखिए यहाँ पे ये आपका स्कीमेटिक डायग्राम है किसी भी रोटर स्पिनिंग मशीन का। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके स्लाइवर कैन होते हैं, ये स्लाइवर कैन रखा हुआ है यहाँ पे आपका, और स्लाइवर कैन से देखिए ये आपका स्लाइवर जाता है, यहाँ पे स्लाइवर जा रहा है, यहाँ से स्लाइवर निकलता है और जाने के बाद में ये आपकी फीड प्लेट होती है, जो फीड प्लेट से ऊपर ये रेस्ट करता है और फीड प्लेट से यहाँ पे एक फीड रोलर लगा होता है, तो इससे फिर ये इधर की ओर जाता है आपका फाइबर। तो यहाँ पे आपका लगा होता है जो मैकेनिज्म लगा होता है ओपनिंग का और क्लीनिंग का और जो ड्राफ्टिंग वगैरह का होता है, और ये आपका होता है टेकअप शाफ्ट है, ये टेकअप शाफ्ट दिख रही होगी आपको, ये आपका टेकअप रोलर है यहाँ पे, और टेकअप रोलर के बाद में गाइस फिर ये आप यहाँ पे देखिए ये आपका वाइंडिंग ड्रम होता है, और ये आपका क्रेडल होता है, और ये आपका यार्न पैकेज होता है। तो यहाँ पे जो भी पार्ट लगे होते हैं तो वो आपका जो ओपनिंग सिस्टम होता है, आपका ट्विस्टिंग सिस्टम होता है, तो वो सब लगा होता है यहाँ पर। तो इसको मैं एक एक पार्ट में बताऊंगा, तो आप देखते रहिए वीडियो को। तो गाइस क्या होता है कि जो स्लाइवर हमें प्राप्त होता है या तो कार्डिंग से या ड्रा फ्रेम से, तो उसको हम एज ए फीड मटेरियल यूज करते हैं रोटर स्पिनिंग के अंदर। और गाइस अब मैं आपको रोटर स्पिनिंग मशीन की वर्किंग डिटेल में बताऊंगा। तो गाइस देखिए सबसे पहली जो असेंबली होती है तो वो होती है आपकी स्लाइवर फीडिंग असेंबली। तो गाइस स्लाइवर फीडिंग असेंबली का क्या काम होता है, देखिए द फंक्शन ऑफ द फीडिंग सिस्टम इज टू पास द स्लाइवर फ्रॉम द स्लाइवर कैन टू द फाइबर ओपनिंग असेंबली। तो जो हमारी स्लाइवर फीडिंग असेंबली होती है इसका काम होता है कि जो हमारा स्लाइवर कैन के अंदर है तो उसको फाइबर ओपनिंग असेंबली तक पहुंचाना। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्लाइवर पासिस ओवर द गाइड रोलर देन फीड रोलर। तो गाइस जो हमारा स्लाइवर होता है सबसे पहले वो गाइड रोलर से पास होता है और उसके बाद में वो फीड रोलर से पास होता है। द फीड रोलर कैरीज फॉरवर्ड द मटेरियल टू द फीड टेबल। और जो हमारा फीड रोलर होता है वो स्लाइवर को फीड टेबल तक ले जाता है। द रोटेटिंग फीड रोलर हेल्प टू ग्रिप द स्लाइवर एंड कैरीज इट फॉरवर्ड ओवर द फीड टेबल इन टू द ओपनिंग रोलर्स। तो ये जो हमारा फीड रोलर होता है तो वो रोटेट करता है, और रोटेट करता है तो वो आपके मटेरियल को ग्रिप करके आगे की ओर बढ़ाता है और फीड टेबल तक ले जाता है। तो वहां पे आपका मटेरियल एंटर करता है जहां पे आपके ओपनिंग रोलर्स होते हैं। द फीड टेबल इज इक्विप्ड विद स्प्रिंग लोडेड प्रेशर व्हिच इंश्योर स्ट्रॉन्ग ग्रिपिंग ऑफ द फैट स्लाइवर टुवर्ड द फीड रोलर। और गाइस जो फीड रोलर होते हैं तो उनके ऊपर स्प्रिंग लोडेड प्रेशर सिस्टम लगा होता है। तो जो स्प्रिंग लोडेड प्रेशर सिस्टम होता है उसका काम होता है कि वो फीड रोलर की ग्रिपिंग को बढ़ा देते हैं, मतलब आपका स्लाइवर को फीड रोलर अच्छी तरीके से ग्रिप कर सके, उसके लिए फीड रोलर के ऊपर एक सफिशियंट प्रेशर दिया जाता है। दिस असेंबली गेट्स इक्विप्ड विद ऑटोमेटिक स्टॉप मोशन। और जो हमारी फीड रोलर असेंबली होती है या फीडिंग असेंबली होती है या स्लाइवर फीडिंग असेंबली होती है तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिक स्टॉप मोशन लगा होता है। व्हेन स्लाइवर गेट्स ब्रोकन स्लाइवर फीडिंग गेट्स स्टॉप इमीडिएटली बाय डिसएंगेजिंग ऑफ फीड क्लच। तो गाइस जैसे ही कभी आपका स्लाइवर ब्रेक होता है तो आपकी जो फीडिंग होती है वो तुरंत स्टॉप हो जाती है। तो वो कैसे स्टॉप होती है कि जो आपकी फीड क्लच होती है वो डिसएंगेज हो जाती है तुरंत के तुरंत। द फीड रोलर आल्सो स्टॉप टू रोटेट, और आपके जो फीड रोलर होते हैं वो भी रोटेट होना बंद हो जाते हैं। द सिग्नल पल्स कॉजिंग दिस इज जनरेटेड बाय ए यार्न सेंसिंग डिवाइस कॉल्ड ए थ्रेड मॉनिटर। तो गाइस वहां पे एक थ्रेड मॉनिटर लगा होता है तो वो सेंस करता रहता है और वो सिग्नल रिसीव कर लेता है और मशीन को सिग्नल दे देता है जो उसका कंट्रोल पैनल होता है, और आपकी जो पर्टिकुलर हेड होती है रोटर स्पिनिंग मशीन की वो स्टॉप हो जाती है। तो गाइस यहाँ पे मैंने स्केच के माध्यम से भी आपको दिखाया हुआ है, ये देखिए आप, ये है आपकी स्लाइवर फीडिंग असेंबली है। तो गाइस देखिए ये आपकी है स्लाइवर कैन होती है, इसके अंदर स्लाइवर भरा होता है और ये स्लाइवर यहाँ से जाता है और यहाँ पे आपका ये लगा हुआ है आपका फीड रोलर होता है और यहाँ पे गाइड वगैरह लगे होते हैं, गाइड रोलर होते हैं, और इसके बाद में फिर यहाँ पे आपकी फीड टेबल होती है। तो ये जब घूमता है तो आपके मटेरियल को फॉरवर्ड करता है ओपनिंग असेंबली की तरफ, और यहाँ पर जो फीड टेबल होती है तो वहां तक ले जाता है आपका फीड रोलर। और गाइस ये होती है आपकी सक्शन ट्यूब, ये भी देख लीजिए ये ट्रेस रिमूवल के काम आती है। तो गाइस ये तो हुई आपकी स्लाइवर फीडिंग असेंबली।
अब मैं आपको बताता हूं फाइबर ओपनिंग असेंबली। तो गाइस क्या होता है, जब हमारा स्लाइवर होता है तो उसके ऊपर क्या होता है कि हल्का सा ट्विस्ट दिया जाता है। सिंस ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ट्विस्ट गेट्स एम्प्लॉयड टू कार्डेड और ड्रॉन स्लाइवर टू होल्ड द फाइबर टुगेदर सो दैट इट नीड्स टू ओपन द फाइबर्स कंप्लीटली। गाइस आप सभी लोगों को भी पता होगा कि कार्डिंग से या आपके ड्रॉ फ्रेम से जो भी स्लाइवर बनता है तो उसके अंदर बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ ट्विस्ट इंसर्ट की जाती है। उसका कारण ये होता है कि आपके फाइबर साथ साथ में बने रहे, मतलब फाइबर होल्ड रहे स्लाइवर के अंदर अच्छी तरीके से। तो अब जब हमारा स्लाइवर फीड होता है रोटर स्प्रिंग के अंदर तो उसको ट्विस्ट ओपन करने की आवश्यकता होती है। द ओपनिंग एक्शन गेट्स परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ ए कॉम्बिंग रोलर इन द रोटर स्प्रिंग मशीन। तो गाइस रोटर स्पिनिंग मशीन के अंदर एक कॉम्बिंग रोलर लगा होता है, तो ये जो कॉम्बिंग रोलर होता है वो आपके स्लाइवर में जो ट्विस्ट होता है उसको खोलता है, ट्विस्ट को खत्म करता है, आपके स्लाइवर के अंदर के फाइबर्स को ओपन करता है। दिस रोलर गेट्स कवर्ड विद सॉटूथ वायर क्लॉथिंग। और ये जो कॉम्बिंग रोलर होता है तो इसके ऊपर एक सॉटूथ क्लॉथिंग लगी होती है। When the saliva gets passed through a rotating combing roller, और ये जो हमारा combing roller होता है ये rotate करता रहता है। जब आपका saliva इस combing roller के संपर्क में आता है the individual opening of fibers takes place। तो क्या होता है, जैसे ही आपका saliva touch में आता है combing roller के तो वो rotate कर रहा है, तो rotate करने से क्या होता है कि आपके saliva के अंदर जो भी fiber होते हैं तो उनकी fiber to fiber opening हो जाती है। The फाइबर टू फाइबर ओपनिंग ऑफ मटेरियल इज नेसेसरी बिफोर इट एंटर्स द ड्राफ्टिंग असेंबली। गाइस जो हमारा स्लाइवर होता है तो जब वो ओपनिंग असेंबली के अंदर जाता है तो वहां पे उसकी फाइबर टू फाइबर ओपनिंग होना बहुत आवश्यक होती है इससे पहले कि वो आपके ड्राफ्टिंग जोन के अंदर प्रवेश करे। तो गाइस देखिए मैंने ये स्कीमेटिक डायग्राम भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपका ये स्लाइवर जा रहा और ये आपकी स्लाइवर गाइड होती है और ये आपका फीड रोलर है और ये आपकी यहाँ पर फीड प्लेट है। तो यहाँ से आपका मटेरियल मिलता है और ये घूम रहा है इधर की तरफ। जब ये इधर की तरफ घूमेगा तो ये आपका मटेरियल नीचे की तरफ आएगा, मटेरियल नीचे की तरफ आता है तो क्या होता है कि ये जो आपका कॉम्बिंग रोलर होता है इसके ऊपर शॉर्ट टूथ वायर क्लॉथिंग होती है। तो इससे क्या होता है, आपका जो स्लाइवर होता है उसके अंदर जो फाइबर होते हैं उनकी फाइबर टू फाइबर ओपनिंग हो जाती है और जो भी ट्रेस होता है वो यहाँ से गिर जाता है। गाइस देखिए ये आपका ट्रेस गिर रहा है। तो इसके बाद में फिर आपका ये जो मटेरियल आपके जो फाइबर ट्रांसपोर्ट डक्ट होता है तो उससे आगे की ओर बढ़ जाता है। ये आपका कॉम्बिंग रोलर है, आप देख सकते हैं। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ फाइबर ड्राफ्टिंग जोन के बारे में कि आपके फाइबर की ड्राफ्टिंग कैसे होती है, फाइबर पैरेलल कैसे होते हैं वहां पे। तो गाइस देखिए इन द ड्राफ्टिंग जोन द फाइबर्स गेट फर्दर ओपनड। तो जो आपके फाइबर ओपन हुए थे, फाइबर टू फाइबर ओपनिंग हुई थी कहाँ पे, आपके जो कॉम्बर रोलर था वहां पे हुई थी। अब इसके बाद में जब वो ड्राफ्टिंग जोन में एंटर करते हैं फाइबर तो वहां पर उनकी और ओपनिंग होती है फाइबर्स की। द पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स आल्सो गेट्स परफॉर्म। और जो आपके फाइबर थे तो उनका जो पैरेलल अरेंजमेंट होता है वो ड्राफ्टिंग जोन में प्राप्त किया जाता है। व्हेन द फाइबर्स गेट ओपन कंप्लीटली, जब आपके फाइबर्स होते हैं वो पूर्ण रूप से ओपन हो जाते हैं। दीज फाइबर्स आर सक्ड विद द हेल्प ऑफ ए ट्रांसपोर्ट ट्यूब। तो हमारे मशीन के अंदर एक ट्रांसपोर्ट ट्यूब लगी होती है, वो इन फाइबर को सक कर लेती है। एन एयर करंट फ्लोज इन दिस ट्यूब। और ये जो ट्रांसपोर्ट डक्ट ट्यूब होती है इसके अंदर एक एयर करंट फ्लो होता है विच कैरीज द ओपन फाइबर टू द रोटेटिंग रोटर। तो ये जो ट्रांसपोर्ट डक्ट होती है वो फाइबर को सक करके रोटर के अंदर ले जाती है। दीज फाइबर्स गेट एक्युमुलेटेड ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द रोटर। और ये जो फाइबर होते हैं वो आपके रोटर के इनसाइड वॉल के अंदर इकट्ठे होते रहते हैं। द एयर करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेन डक्ट इन द सेक्शन एंड देन थ्रो ए वैक्यूम इन द रोटर हाउसिंग। तो जो आपका एयर करंट होता है वो प्रोड्यूस होता है आपका मेन डक्ट में और इसके बाद में आपके रोटर के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता है। ए सेंट्रल फैन इज यूज्ड टू क्रिएट ए वैक्यूम। और ये जो वैक्यूम होता है इसको प्राप्त करने के लिए एक सेंट्रल फैन का प्रयोग करते हैं। दिस फैन ड्रॉज एयर बाय सक्शन
थ्रो स्मॉल डक्स फ्रॉम ईच रोटर हाउसिंग। तो जो हमारी रोटर हाउसिंग होती है उसके अंदर डक्स वगैरह लगे होते हैं छोटे छोटे, तो ये जो फैन होता है वो हवा को सक करता रहता है। तो गाइस क्या होता है कि ये जो हमारा प्रेशर जनरेशन होता है, नेगेटिव प्रेशर जनरेशन होता है, तो इसके लिए आवश्यक होता है कि जो आपका रोटर बॉक्स है उसको अच्छे तरीके से सील्ड होना चाहिए। द सक्शन करंट इन द फाइबर चैनल हेल्प टू पिक ऑफ द फाइबर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ओपनिंग रोलर एंड सेंड देम इनटू द रोटर। तो जो सक्शन करंट होता है जो क्रिएट हो रहा होता है वो आपके फाइबर्स को ओपनिंग रोल से लेता है और उनको रोटर के अंदर सेंड करता है। इन द कोर्स ऑफ दिस मूवमेंट, और इस मूवमेंट के दौरान क्या होता है, बोथ द एयर एंड द फाइबर आर एक्सीलरेटेड ड्यू टू द कन्वर्जिंग शेप ऑफ द फीड ट्यूब। तो गाइज इस टाइम पे आपका जो एयर होती है और जो फाइबर्स होते हैं उनकी एक्सीलरेटिंग होती है। दिस रिप्रेजेंट ए सेकंड ड्राफ्ट फॉलोइंग द निप थ्रू ओपनिंग रोलर एंड रिजल्ट इन द फर्दर सेपरेशन ऑफ द फाइबर। तो गाइज क्या होता है, जब आपका एयर का और फाइबर्स का एक्सीलरेशन होता है तो वहां पे क्या होता है कि एक दूसरा ड्राफ्ट क्रिएट होता है, तो वहां पे जो फाइबर होते हैं उनकी ओपनिंग होती है और वो ओपनिंग होती है जैसे आपकी ओपनिंग रोलर होते हैं उसी तरीके से होती है। द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड इन दिस एयर करंट। तो ये जो एयर करंट होता है इसमें आपके फाइबर होते हैं वो सीधे हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। ए थर्ड ड्राफ्ट क्रिएट्स अपॉन द अराइवल ऑफ द फाइबर ऑन द वॉल ऑफ द रोटर। और गाइस जो तीसरा ड्राफ्ट क्रिएट होता है तो वो कब होता है, जब आपके फाइबर्स आपके रोटर की वॉल के अंदर पहुंचते हैं। सिंस द पेरिफेरल स्पीड ऑफ द रोटर इज मेनी टाइम्स ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द फाइबर्स। गाइस हम जानते हैं कि जो हमारा रोटर रोटेट करता है या घूमता है तो उसकी पेरिफेरल स्पीड होती है वो फाइबर से ज्यादा होती है। द पैरेललाइजेशन ऑफ फाइबर टेक्स प्लेस इन दिस जोन। तो इस तरीके से आपके जो फाइबर्स होते हैं इस जोन के अंदर पैरेलल हो जाते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स इंप्रूव्स, और फाइबर का अरेंजमेंट होता है आपके यान के अंदर वो भी इंप्रूव होता है। व्हेन द फाइबर्स स्लाइड डाउन द वॉल ऑफ द रोटर इनटू द रोटर ग्रूव्स ड्यू टू द हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट विद इन द रोटर। तो जो आपके फाइबर्स होते हैं वो वॉल के ऊपर गिरते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो आपका रोटर होता है तो वहां पे हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है, तो वहां पे आपके ये जो फाइबर्स होते हैं वो जो ग्रूव्ड रोटर होता है उसमें गिरते हैं। द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड फाइनली हियर, और फाइनली आपके जो फाइबर्स होते हैं यहाँ पे सीधे हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। गाइस अब आती है आपकी क्लीनिंग असेंबली। तो गाइस देखिए क्लीनिंग असेंबली कैसे काम करती है। मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट एयर एंटर्स ओनली एट द ट्रैश रिमूवल स्लॉट एंड ओनली ए स्मॉल अमाउंट थ्रू द ड्रा ऑफ द ट्यूब। तो गाइस जो हमारी क्लीनिंग असेंबली होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो आपका एयर का अमाउंट होता है उसमें से जो मोस्ट ऑफ द अमाउंट होता है वो आपके ट्रांसपोर्ट डक्ट में एंटर करता है और उसका एक छोटा सा अमाउंट होता है जो आपका ड्रा ऑफ ट्यूब होता है क्लीनिंग असेंबली के अंदर तो उसमें एंटर करता है। वन रिजल्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द ओपनिंग रोलर इज दैट इम्प्योरिटीज कैरीज विद द इनकमिंग स्लाइवर आर एक्सपेल्ड थ्रू एन आउटलेट ऑफ द ओपनिंग रोलर हाउसिंग। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है तो इससे क्या होता है कि एक जो स्मॉल एग्जिट होता है जहाँ पे आपके ओपनिंग रोलर होते हैं वहां पे आपके स्लाइवर के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं, जो भी ट्रेस होता है, तो वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है आपके ट्रेस को एजेक्ट कर देता है। द एक्सपेल्ड वेस्ट फॉल्स ऑन ए कन्वेयर बेल्ट, और जो आपका ट्रेस एक्सपेल्ड होता है या एजेक्ट होता है वो आपके कन्वेयर बेल्ट पे गिरता है। विच कैरीज इट आइदर टू वन और टू बोथ एंड ऑफ द स्पिनिंग मशीन्स। तो क्या होता है गाइस कि जो आपका कन्वेयर बेल्ट होता है वो आपके ट्रेस को या तो आपके मशीन के एक सिरे पे ले जाता है या दोनों सिरों पे ले जाता है। वेयर इट इज रिमूव्ड बाई सक्शन नोजल्स ऑन ईच साइड ऑफ द मशीन। तो हमारी मशीन के ऊपर दोनों साइड में सक्शन नोजल लगा होता है, तो सक्शन नोजल आपके वेस्ट को सक करता रहता है और उसको
कलेक्ट करता रहता है। गैस अब एक सिस्टम और लगा होता है, फाइबर कंडेंसिंग सिस्टम। तो इसका क्या काम होता है गैस, देखिए, व्हेन द रोटर रिवॉल्व्स एट ए वेरी हाई स्पीड, जब आपका रोटर बहुत हाई स्पीड पर घूमता है, ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गेट्स जनरेटेड, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है। दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉजेस द फाइबर टू कलेक्ट इन द ग्रुप ऑफ द रोटर। तो ये जो आपके फाइबर होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से रोटर के ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। ए रिंग ऑफ फाइबर्स फॉर्म इन द रोटर ग्रुप्स, और रोटर के ग्रुप्स के अंदर फाइबर्स की रिंग बन जाती है। दिस फाइबर्स रिंग इज देन स्वेप्ट फ्रॉम द रोटर कंटिन्यूअसली बाय ए न्यूली फॉर्म्ड यार्न। तो ये जो आपकी फाइबर की रिंग प्रोड्यूस होती है, तो इसको जो आपका नया नया बनने वाला जो यार्न होता है उसको स्वीप करता रहता है, कंटिन्यूअसली स्वीप करता रहता है, विच कंटेन्स अनट्विस्टेड फाइबर, और जो आपकी फाइबर की रिंग बनती है उसके अंदर अनट्विस्टेड फाइबर होते हैं। गैस अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी रोटर स्पिनिंग मशीन के अंदर ट्विस्ट इंसर्शन कैसे होता है। तो गैस देखिए, ट्विस्टिंग और ट्विस्ट इंसर्शन, पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ स्केच के माध्यम से कि कैसे आपके यान के अंदर रोटर स्प्रिंग में ट्विस्ट इंसर्ट होता है। तो आपको पता हो या ना हो मैं बता देता हूँ, जो आपका रोटर स्प्रिंग का प्रोसेस होता है उसके अंदर ट्विस्ट इंसर्शन होता है गाइस, वो रोटर के द्वारा किया जाता है। तो रोटर का एक आरपीएम आपके यान के अंदर एक ट्विस्ट इंसर्ट करता है गाइस। तो गाइस देखिए, यहाँ पे यह है आपका न्यू फाइबर्स एंटरिंग रोटर। तो जो आपके फाइबर्स होते हैं वो ड्राफ्टिंग होके स्ट्रेट होके यहाँ पर एंटर करते हैं। ये है आपकी फाइबर ट्रांसपोर्ट डक्ट है, तो ये फाइबर ट्रांसपोर्ट डक्ट होती है, तो इसके माध्यम से ही आपके रोटर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गैस, ये फाइबर की रिंग सी बन जाती है, एक्युमुलेट हो जाती है यहाँ पे। ये आपकी यार्न विद्रॉवल ट्यूब होती है, और यहाँ पे जो यार्न है ये देखिए ताजा ताजा यार्न बन रहा होता है। तो गैस दूसरे स्केच के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसको देखिए गैस, ये है आपका, तो ये आपकी ट्रांसपोर्ट डक्ट है, यहाँ से फाइबर आपका एंटर करते हैं। तो जब फाइबर एंटर करते हैं तो ये आपका रोटर घूम रहा है, यहाँ से आपकी ये जो फाइबर्स आ रहे हैं यहाँ तक आते हैं, इसके बाद में रोटर के जो रोटेशन होते हैं उससे ट्विस्ट इंसर्ट होना चालू हो जाता है। और ये है आपकी जो यार्न बनता है, न्यूली यार्न बनता है, तो ये यहाँ पे एक ट्यूब लगी होती है, इससे आपका यार्न बनता है, ऊपर को निकलता जाता है। अब मैं आपको डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि किस तरीके से आपका ट्विस्ट इंसर्शन होता है रोटर स्पिनिंग मशीन के अंदर। तो गाइस देखिए, यहाँ पे ट्विस्ट इंसर्शन इन दिस स्पिनिंग प्रोसेस इज परफॉर्म्ड बाय मींस ऑफ ए रोटर। तो किसी भी रोटर स्पिनिंग मशीन के अंदर यान के अंदर जो ट्विस्ट इंसर्ट होता है वो रोटर के माध्यम से होता है। दिस रोटर रिवॉल्व्स एट ए वेरी हाई स्पीड, और ये जो रोटर होता है बहुत हाई स्पीड पर रोटेट होता है। द रोटर कैन अचीव द मैक्सिमम आरपीएम ऑफ 140,000। तो जो हमारा रोटर होता है मैक्सिमम स्पीड 140,000 तक आरपीएम हो सकते हैं। ईच रेवोल्यूशन ऑफ रोटर इंसर्ट वन टर्न इन द यान, और रोटर का एक रेवोल्यूशन आपकी यान के अंदर एक टर्न इंसर्ट करता है। तो गाइस यहाँ पर देखिए, द यार्न गेट्स प्रोड्यूस्ड इज पुल्ड आउट ऑफ द रोटर विद द हेल्प ऑफ द नेवल कंटिन्यूअसली। तो गाइस जब आपका यार्न प्रोड्यूस होता है तो आपका जो रोटर होता है, आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे ये इसको नेवल बोलते हैं, और ये बिल्कुल गोल आकार का होता है, नाभि के आकार का होता है। तो इससे आपका यार्न ऊपर की तरफ बाहर निकलता रहता है। इफ नथिंग फर्दर वेयर डन द रोटर वुड बी चोक्ड इन नो टाइम। यदि आपका यार्न प्रोड्यूस हो रहा है और उसको बाहर की तरफ कोई पुल करने का कोई सिस्टम नहीं है, तो आपका जो रोटर होता है वो तुरंत के तुरंत जाम हो जाएगा। हाउएवर सिंस द होल पर्पज इज टू फॉर्म दीज फाइबर्स इनटू ए न्यू यार्न, द फ्री एंड ऑफ द यार्न इज अलाउड टू एक्सटेंड फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस ऑफ द रोटर पेरिफेरी। तो गाइस क्या करते हैं कि हमारा जो काम होता है रोटर का वो होता है धागा बनाना। तो जैसे आपका धागा बनता है तो उसका जो सिरा होता है इस तरीके से बाहर की तरफ निकालते हैं कि आपका यान बनता रहे, तो आपका वो सिरा है जो पहला वाला वो ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है, और आपका जो न्यूली यान होता है वो बनता रहता है। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मोर देन 1 लाख टाइम्स द
वेट ऑफ द फाइबर, और जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है तो वो फाइबर वेट से 1,00,000 गुना तक होता है। एक्टिंग एट दिस पॉइंट प्रेसेस द यार्न एंड फर्मली अगेंस्ट द वॉल ऑफ द कलेक्टिंग ग्रुप। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये क्या करता है कि आपके यार्न को फर्मली प्रेस करता है वॉल के अगेंस्ट में, एग्जैक्टली एज इन द केस ऑफ द फाइबर्स इन द रिंग। तो बिल्कुल जैसा आपके रिंग फ्रेम में होता है वैसे यहाँ पे होता है। द यार्न एंड देयरफॉर अडेयर टू द रोटर बॉल। तो जो आपका यार्न का एंड होता है वो आपके रोटर बॉल से चिपक जाता है। एज द रोटर टर्न्स इट देयरफॉर कैरीज द यार्न अलोंग। और जब आपका रोटर रोटेट करता है तो ये अपने साथ में यार्न को भी ले जाता है। ईच रेवोल्यूशन ऑफ द रोटर जनरेट वन टर्न ऑफ जेन्यून ट्विस्ट इन द यार्न। और रोटर का एक टर्न आपके यार्न को एक टर्न देता है ट्विस्ट का। व्हेन द यार्न हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम ट्विस्ट लेवल एज डिटरमाइंड बाय द प्रिवेलिंग फोर्स कंडीशन द यार्न एंड बिगिन टू टर्न अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। तो यदि उसको जितना हमें उसको ट्विस्ट देना था, तो यदि हम उसको जरूरत से ज्यादा यदि ट्विस्ट देते हैं जितना हमने डिटरमिन किया था, तो आपका जो यार्न होता है तो यार्न अपने एक्सिस के ऊपर टर्न होने लगता है। इट रोल्स इन द रोटर ग्रूव्स, और ये रोटर के ग्रूव्स के अंदर रोल होने लगता है। नाउ द ओपन एंड यार्न इज रेस्टिंग इन द वाइंडिंग इन जोन ऑन ए स्ट्रैंड ऑफ पैरेलल फाइबर्स। तो जो आपका यार्न जनरेट हो रहा है तो वो आपका जो फाइबर का स्ट्रैंड होता है, पैरेलल फाइबर का स्ट्रैंड होता है, उसके ऊपर रेस्ट करने लगता है। रोलिंग ऑफ द यार्न एंड देयरफॉर कॉजेस द ब्रश लाइक यार्न एंड टू ग्रैब फाइबर फ्रॉम द रिंग एंड ट्विस्ट देम इनटू गिव ए न्यू यार्न पोर्शन। तो जैसे ही आपका जो न्यूली यार्न जनरेट हो रहा है और वो रेस्ट हो गया, आपके जो फाइबर का स्टैंड था उसके ऊपर रेस्ट हुआ, तो वो क्या करता है आपके फाइबर्स को पकड़ लेता है, जो रिंग में फाइबर होते हैं उनको पकड़ लेता है, और उससे फिर आपका जो यार्न का जनरेशन होता है वो कंटिन्यू रहता है। तो गाइस इस प्रोसेस के वजह से आपका यार्न कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता रहता है। इट इज सिंपली नेसेसरी टू पुल दिस यार्न आउट ऑफ द रोटर बाय यार्न कंपनसेटिंग बार बाई मीन्स ऑफ टेक ऑफ रोलर्स एंड वाइंड इट onto winding drum into the crossbound package। तो guys इसलिए जो आपका rotor spinning के अंदर, rotor के अंदर जो yarn produce होता है तो उसको continuously बाहर खींचा जाता है, draw किया जाता है, तो उसके लिए take off roller भी use किया जाता है और वहाँ पे एक winding system भी लगा होता है, तो वहाँ पे आपका crossbound package का निर्माण होता है। guys अब है आपका winding system को देखिए। The yarn is then taken up onto a crossbound package। तो जब आपका yarn बन गया, आपका जो टेक ऑफ रोलर होता है वो उसको आगे की तरफ खींचता रहता है, ड्रॉ करता है यार्न को जो रोटर से बाहर निकलता है, तो ये यार्न आपके पैकेज के ऊपर बाउंड होता है, दस सेपरेटिंग द वाइंडिंग प्रोसेस फ्रॉम ट्विस्टिंग। तो ये जो वाइंडिंग प्रोसेस होती है, वाइंडिंग की असेंबली होती है, ट्विस्टिंग असेंबली से अलग लगी होती है। यार्न इज बाउंड ऑन टू पैकेज रेडी फॉर यूज इन फैब्रिक फॉर्मेशन। द यार्न इज ए लॉट चीपर टू प्रोड्यूस। तो गाइस क्या होता है कि जो हमारा पैकेज बनता है वो पैकेज का साइज बहुत बड़ा होता है। तो गाइस यहाँ पे जो हमने पैकेज बाइंडिंग के बारे में बात करी, तो गाइस देखिए यहाँ पे ये आपका जो यार्न बन रहा है, ये देखिए आपका ये डार्क शेड है, ये लाइन से जा रही है, ये यार्न बन रहा है। तो यहाँ पे ये टेक ऑफ रोलर होते हैं, ये आपके यार्न को आगे बढ़ाते जाते हैं यहाँ पे, और आगे बढ़ा के फिर ये जाता है आपका यहाँ पे, तो ये लगा हुआ वाइंडिंग ड्रम लगा होता है, वाइंडिंग ड्रम आपका रोटेट करता है, तो इसके ऊपर ये पैकेज लगा हुआ है, ये आपका चीज वगैरह होती है, और ये आपका होता है क्रेडल लीवर होता है। तो आपके क्रेडल लीवर के अंदर ही जो आपका स्पिंडल होता है वो माउंट होता है, तो स्पिंडल के ऊपर आपका यार्न का पैकेज माउंट होता है। तो जब आपका वाइंडिंग ड्रम घूमता है तो आपका पैकेज का निर्माण होता है और वहां पे क्रॉस वाइंडिंग पैकेज फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से गाइस ये जो पैकेज होता है इसका साइज बहुत बड़ा होता है, इसके ऊपर जो यार्न होता है उसकी लेंथ आप काफी हद तक ज्यादा ले सकते हैं। तो गाइस देख के बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।